रिश्तों की दोर। हाय। सॉरी। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। कभी प्यासे के पास आता है भला? प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है ना। मेरे करीब आइए जी। मेरे करीब आइए। आप नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ। खामोश हो जाइए। प्लीज गुना, जब से तुम मिले हो मैं होश खो बैठी हूँ। अजीब सी कशिश तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी खुशबू में। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी। गुना, तुम्हारी बाहों में मर जाने को दिल करता। क्या कर रही है कामिनी जी? रोकिए अपने आप को। कामिनी जी तो मत कहो, स्वीटी कह सकते हो, डार्लिंग कह सकते हो, कम्मू कह सकते हो, और बहुत ज्यादा प्यार है तो बेबी भी कह सकते हो। मगर फॉर गॉड से कामिनी जी मत कहिए। कुणाल, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, लिसन, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। सब मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो। मैं ये कब कह रही हूँ कि अपनी बीवी को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। That I'm in love with you and I can't help it. मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं बताओ। You're not. हाथ लगा सकती? Don't be. चाहे तुम मुझे कितना भी गिरा हुआ समझो। नहीं, वो बात नहीं है। वही बात है। Actually, you are really very very natural and Shut up. मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। तुम एक बहुत सच्चे, ईमानदार और वफादार हस्बैंड हो। Good night. Good night. समझ में नहीं आ रहा।
कि हमने कौन सा गुनाह किया है कि हमारा परिवार हमेशा मुसीबतों से घिरा रहता है। पता नहीं हम कब कब चैन की सांस लेंगे। सारे दुर्घटने हमारे परिवार के साथ क्यों थी? मानो पुलिस स्टेशन पे एक रात गुजारेगी, ये कभी सोचा भी नहीं था। दिल छोटा मत करो सुहास, हम कल सुबह जाकर मनु की जमानत करवाएंगे। आज की रात मनु को पुलिस हिरासत में काटनी पड़ेगी। इस बात का हम सबको दुख है, लेकिन मुझे इस बात का फक्र भी है कि मनु ने इतनी हिम्मत, इतनी इंसानियत दिखाई कि उस आदमी को जख्मी हालत में छोड़कर भाग नहीं गई। उसे हॉस्पिटल ले जाकर पुलिस के सामने अपनी गलती का स्वीकार किया। और कोई होता तो भाग खड़ा होता। बाबा ठीक कह रहे हैं, मनु ने वाकई में बहुत साहस दिखाया है। मनु के साथ साथ हमें नौनिका के बारे में भी सोचना चाहिए। उसके बारे में हम बेफिक्र रहे ये बात सही नहीं है। माफ कीजिएगा बाबा, हम नौनिका की फिक्र तब करते जब वो किसी रास्ते पर खो गई होती। वो अपनी मर्जी से इसी प्लानिंग के तहत अपना सामान लेकर एक घर छोड़कर गई है। हम उसकी फिक्र क्या करें और क्यों करें? तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और खाना सामने है, खा लो। न खाकर अन्न का अपमान नहीं करते बेटा, खा लो। मनु का खाना? वो ताई ने कबीर के हाथों खाना भिजवा दिया है दादा। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, मनु को किसी मुसीबत में फंसने से बचा लेना, उस पर दया करना भगवान। कुणाल ने ऊटी पहुंचकर एक फोन तक नहीं किया। फोन भी ऑफ है। खुद ने तो पहुंचकर एक फोन तक नहीं किया, इतना भी नहीं सोचा कि मुझे चिंता हो रही होगी। पहले तो कुणाल ने ऐसा कभी नहीं किया, कहीं वो कामिनी मदद की लालच देकर कुणाल को फंसाने की कोशिश ना कर रही हो। और कुणाल बेचारा इतना सीधा है कि उसे समझ में भी नहीं आएगा। हाँ बहुत ठंड है ना, वो मीटर नहीं होता तो हमारी तो खुद भी हो जाती। अगर मुझे अकेले पीना होता मैं अपने रूम में ऑर्डर करती। Don't you think so? Kamini, please, Kunal, stop. Okay, Kamini, please. Kunal, please. ले लीजिए। आप बच्चे नहीं हैं। मुझे कंपनी चाहिए, इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। अब ग्लास पकड़ लीजिए, हाथ दर्द हो रहा है मेरा। I know, but... और ग्लास पकड़ने से नहीं चलती, I promise. Okay.
इतना ठंडा। What? मैं जानती हूँ कि जो नहीं पीते उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। Good, thank you. पर फिर भी मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगी। उसके पीछे एक रीजन है कुणाल। Hang on and listen. पीना सोशलाइज करने के लिए जरूरी है, okay? और इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली आपको सोशलाइज करना जरूरी है। बिना पीआर के ये दुनिया आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगी। Are you with me? Yeah, yeah, I'm listening to you. You're not convinced. You know, आप मिडिल क्लास के लोग एक दायरा बना के जीते हैं, एक सर्कल। उसे आप संस्कार बुलाएंगे, सभ्यता बुलाएंगे और उसी में सड़ सड़ की जिंदगी जिएंगे आप। That's what you are. और आपके लिए एक और अहम बात, ये प्रोफेशन यूनिक है, इसके तौर तरीके यूनिक हैं। अगर यहाँ सर्वाइव करना है, सक्सीड करना है, तो वो तौर तरीके अपनाने, whether you like it or you don't like it, वरना ये फील्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। You understand? Cheers. Cheers, cheers. Not that bad, no? कल आके मिलना मुझे, अर्जेंट काम है। हाँ, एक छोकरी का किडनैप करने का है। बोलेगा ना उसका पता कहाँ से उठाने का, उसको किडनैप करने का है, सब बताएगा। कल आके मिल, तेरे को एडवांस भी देगा और छोकरी का फोटो भी, ठीक है? चला के मिल। मेरा सोने का अंडे देने वाला मुर्गी, मुर्गी। You are great, Kamini ji. Sorry. Chine. Kamini. You are greatest person on this earth. You know, Shubhangi, my wife, Oh no, बहुत शक शक करती आपने। वो बोलती है कि इस दुनिया में कोई भी किसी की बिना मतलब की मदद नहीं करता। सीरियसली, आप ऐसे नहीं? पता है, मुझे भी ऐसे बिगनिंग में लगा था कि लेकिन जब आप उस डायरेक्टर से लड़ी ना, तो मुझे समझ में आ गया कि आप देवी हैं। सीरियसली, आप हंसी मत, मैं दिल से बोल रहा हूँ। No, for me, you're God, you're goddess. No. आपके पैर। Please. No, you're my God. Please, आप क्या कर रहे हो? Oh my God. कुणाल, हम दोस्त हैं. I'm a well-wisher of yours. ये क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों की जगह पैरों में नहीं होती है। हमें तो गले लगा जाता है। मनु, बाहर आओ। मेरी बेल हो गई क्या? नहीं, बेल तो नहीं हुई है। तो फिर
बाहर आओ, बताती हूँ। चलो। कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पर। मतलब मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे ड्राइव करती हो। मैंने मनु के साथ इतनी ज्यादतियां की, उसके बावजूद उसने मुझे बचाने के लिए मेरा गुनाह अपने सर ले लिया। मेरी गलती की सजा वो भुगत रही है। She's great. आज उसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। मेरे लिए उसने जो किया है वो हर लड़की अपने पति के लिए नहीं कर सकती। मुझे उस बेचारी पर और जुल्म नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। नहीं, मैं अपनी बहन की मौत नहीं भुला सकता। मनु चाहे मेरे लिए अपनी जान भी दे दे, लेकिन मेरा दिल नहीं पिघलेगा। अपनी बहन की मौत का बदला ये बगैर मैं नहीं रहूंगा। किसी पर रहम नहीं करूंगा, किसी पर भी नहीं। अपनी बहन की मौत का बदला लिए बगैर मैं नहीं रहूंगा, किसी पर रहम नहीं करूंगा मैं, किसी पर भी नहीं। क्या हुआ? तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? एक्सीडेंट तुमसे ही हुआ था ना? क्या हुआ मम्मी? क्या सोच रही है? तुम्हें ड्राइविंग नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, राइट? हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे ड्राइविंग नहीं आती।